एक जमाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच प्यार और ब्रेकअप की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था। रवीना टंडन ने आरोप लगाया था कि अक्षय कुमार लगातार 3 साल तक उन्हें धोखा देते रहे। दरअसल फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। रवीना अक्षय के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसके चलते दोनों ने सगाई भी कर ली। यह जोड़ी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लेकिन फिल्म धड़कन के दौरान अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की नजदीकियां बढ़ने लगी। जब रवीना को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अक्षय कुमार से ब्रेकअप कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने कहा कि मैं आखिर तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अक्षय ने उन्हें 3 साल तक धोखा दिया। वह एक ही समय में शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना को डेट कर रहे थे। अपने करियर के टॉप पर पहुंचकर रवीना टंडन ने अक्षय से शादी करने का फैसला लिया था, जबकि अक्षय चाहते थे कि शादी के बाद रवीना फिल्मों में काम ना करें और एक हाउसवाइफ बने। रवीना से ब्रेकअप के बाद अक्षय कुमार ने लंबे समय तक शिल्पा शेट्टी को डेट किया, लेकिन ये रिश्ता भी शादी तक नहीं पहुंच पाया और आखिरकार अक्षय ने ट्विंकल खन्ना के साथ फेरे लिए।